चलिए गाइस बैगन का और बरीक हम सब्जी बना रहे हैं। तो हमने पहले तेल डाला था, फिर बरीक को तल के निकाल लिया था, फिर अदरक लहसुन मिर्चा प्याज भून लिया है, उसके बाद बैगन हमने भून लिया है, फिर बरीक जो हमने भूना था उसको भी डाल के भून लिए, स्वाद अनुसार नमक डाल दिए हैं। तो अब इन्हीं पर हम मसाला डाल देंगे। हल्दी पाउडर है, गरम मसाला है, रेड चिल्ली है। तो नमक हमने पहले डाला है, नमक नहीं डालेंगे और हल्का से पानी डाल के भून लेंगे। चलिए देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है, बैगन बड़ी की सब्जी। आप रोटी खाइए, पराठा खाइए, जिससे खाना चाहते हैं खा सकते हैं। चलिए नींबू की सब्जी में हमने नमक डाल दिया है। तो बहुत जगह इसको भिगोड़ा बोलते हैं, हर एक जगह अलग अलग तरीके बोलते हैं, कोई तभी बोलता है। देखिए सब्जी हमारी कितनी अच्छी बनी है। तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। इधर आप सूजी का हलवा बना रहे हैं बच्चों को टिफिन के लिए, इधर लौकी की सब्जी भी देंगे टिफिन में। तो चलिए इधर चीनी डाल देते हैं, यहीं पर हम पानी डाल देंगे और सूजी को पकने देते हैं। इधर पूड़ी हमारी बताइए, इधर हिलिए बच्चों को लंच के लिए।